दोस्तों, यह बात एक छोटी सी गांव की है जहां पर एक लड़का अपने दादी और दादा के साथ रह रहा था। दादी जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। इन लोग बहुत गरीब थे, पैसे नहीं थे। इनके पास दो घोड़े थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दादाजी उन्हें लेकर मेले में जाने लगे दोनों घोड़ों को बेचने के लिए। दोस्तों, अब रास्ते में ही जब से दो डाकू आ जाते हैं जो दादाजी से कहते हैं कि वो अपना घोड़ा दे दे। दादाजी कहते हैं उन्हें देने के लिए मना कर देते हैं। फिर वो अब चप्पू निकाल कर दादाजी को डराते धमका, लेकिन दादाजी घोड़े नहीं दे रहे थे। तभी वो डाकू दादाजी को बहुत धमकाकर उन्हें गोली मार देते हैं। मारने के बाद उनका शरीर से कपड़े उतार देते हैं और वो लोग घोड़े लेकर चले जाते हैं। डाकुओं के दो साथी जब घोड़े लेकर कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ घंटे बाद जब वो लड़का अपने दादाजी को ढूंढने आता है, तब देखता है कि उसके दादाजी मरे पड़े हुए थे। वह उन्हें देखकर बहुत रोता है और कुछ समय बाद उनका देह संस्कार कर वह घर चल जाता है। कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों उसकी दादी भी ख़त्म हो जाती है। अब लड़का दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, वह लड़का अपने दादी व दादा का बदला लेता है कि नहीं। दोस्तों, इसका पूरा वीडियो देखने के लिए इसका पार्ट 2 देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो आप तक पहले पहुँच